नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी संकेता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अमेरिका में नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को जीत की बधाई देने में कई दिन लगा देने वाले चीन ने अब कहा है कि बीजिंग और वॉशिंगटन को सभी स्तरों पर वार्ता शुरू करनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह बयान सोमवार को उस वक्त दिया जब यह संदेश स्पष्ट हो गया है कि बाइडेन चीन के खिलाफ सख्त रुख अपना सकते हैं। ब्रिटेन फाइजर बायोएनटेक द्वारा तैयार की गई वैक्सीन को प्रयोग करने वाला पहला देश बन जाएगा। सरकार ने कहा है कि सबसे पहले वैक्सीन अस्पतालों में मुहैया कराई जाएगी, इसके बाद ही क्लिनिकों पर उपलब्ध होगी। देश में मंगलवार से टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाएगा। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच जारी विवाद अभी शांत नहीं हो पाया है और चीन ने फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। चीन ने अब पाकिस्तान की सेना के साथ सैन्य अभ्यास करने की योजना बनाई है और इसके लिए उसने गुजरात सीमा के पास बने पाकिस्तानी एयरबेस के लिए लड़ाकू विमान और सैनिक रवाना किए हैं। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल जेवियर बेसेरा को स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को अपने सर्जन जनरल के तौर पर चुना है। डॉक्टर एंथनी पाउची को कोविड-19 पर राष्ट्रपति के मुख्य चिकित्सा सलाहकार के रूप में नामित किया गया है, जबकि डॉक्टर रोशेल वोलेंस्की की रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के निदेशक और डॉक्टर मार्सिलो नुंज स्मिथ को कोविड-19 इक्विटी टास्क फोर्स का अध्यक्ष नामित किया गया है। कुवैत में नए अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा के नेतृत्व में शनिवार को हुए पहले संसदीय चुनाव में 2/3 सांसद हार गए हैं। इसके बाद कुवैत के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने इस्तीफा दे दिया है। नए संसद का स्वरूप कैसा होगा, इसे लेकर जल्दी बैठक होगी। कोरोना की बिगड़ती स्थिति के बीच न्यूयॉर्क सिटी में कुछ प्राइमरी स्कूलों को सोमवार से दोबारा खोल दिया गया। स्कूलों में एंट्री से पहले बच्चों का टेम्परेचर चेक किया गया। न्यूयॉर्क अमेरिका के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में शामिल है। यहां 7,42,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं काउंसिल ऑफ द ग्रेट सिटी स्कूल के मुताबिक देश के 75 सबसे बड़े स्कूलों में से 18 पिछले महीने रिमोट लर्निंग की ओर लौट चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS News App।